लाइव अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, वो है हमारे पास वाइटल पल्प थेरेपी, पल्पोटमी और इपेक्सिफिकेशन। सबसे पहले हमने देखना है कि वाइटल पल्प थेरेपी है क्या चीज़। नाम से भी आपको पता चल रहा है कि पल्प की थेरेपी है, और वाइटल क्या है, जिसमें वाइटैलिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है, यानी पल्प को जिंदा रखा जा सके, आप ये कह सकते ये हैं। पल्प की थेरेपी है और वाइटल। अब हमने देखनी है इसकी डेफिनेशन। ट्रीटमेंट इनिशिएटेड ऑन एन एक्सपोज्ड पल्प टू रिपेयर एंड मेंटेन द पल्प वाइटैलिटी। जैसे कि हमने पहले ही नाम से उसको गेस कर लिया था कि इसमें क्या होगा, डेफिनेशन में भी उसने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात की है। अब हमारा बेसिकली एम क्या है इसमें? एम हमारा ये है कि जितनी भी रिवर्सिबल पल्पल इंजरीज हैं, उनको हम प्रॉपर ठीक करके दांत को एक वर्किंग पोजीशन में ले आए। यानी कि हम नहीं चाहते कि दांत की हमें रूट कैनाल करनी पड़े, दांत की हमें और कोई प्रॉब्लम्स या एक्सट्रैक्शन करनी पड़ जाए। पहली हमारी प्रायोरिटी हमेशा से यही होती है कि हम दांत को सेव करें। तो जो रिवर्सिबल पल्पल इंजरीज हैं, उसमें हमने दांत को सेव करना है, वाइटैलिटी उसकी सेव करनी है, बेशक वो प्राइमरी दांत है या वो परमानेंट दांत है, दोनों केसेस में हमने उसको सेव करने की कोशिश करनी है। अब परमानेंट दांत तो जाहिर सी बात है सारी जिंदगी चलना है, उसको तो आपने सेव करना ही करना है। उसमें जो हम क्राउन लगाते हैं, इम्प्लांट लगाते हैं, वो जाहिर सी बात है हमारा जो नेचुरल टूथ है उसकी रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। जितनी उसकी च्यूइंग कैपेबिलिटी होती है, जितनी उसकी एबिलिटी होती है, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। जहां तक प्राइमरी दांतों की बात आती है, प्राइमरी दांतों में हमने देखना होता है कि भाई इस दांत ने कितनी देर चलना है। अगर तो उसका जो है वो शेडिंग का टाइम आने वाला है, फिर तो हम एक्सट्रैक्शन भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर अभी उसने 2-4 साल निकालने हैं उस दांत में, और अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या मसला होगा कि जाहिर सी बात है दांत निकलेगा, वहां पे स्पेस क्रिएट होगी, जो परमानेंट दांत है वो प्रॉपर अपनी पोजिशन पे नहीं आएंगे। तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हम दांत को अच्छे से सेव करें। अब जो वाइटल पल्प थेरेपी है, उसमें हमारे पास एक इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग आती है और डायरेक्ट पल्प कैपिंग या पल्पोटमी आती है, सही है। अब काफ़ी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, एक तो ये इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग और डायरेक्ट पल्प कैपिंग में, उसके बाद एपेक्सोजेनेसिस एपेक्सिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब अगर हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग की बात करें, तो हमें नाम से थोड़ा आइडिया हो रहा है कि डायरेक्टली हम पल्प के ऊपर कैप नहीं कर रहे, थोड़ा सा इनडायरेक्टली कर रहे हैं, यानी कि पल्प एक्सपोज्ड अभी नहीं है। तो जब पल्प एक्सपोज्ड ना हो, डीप केरियस लेजन हो, लेकिन पल्प अभी एक्सपोज्ड ना हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हैं। लेकिन अगर पल्प एक्सपोज्ड हो जाए, तो फिर उस केसेस में हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट पल्प कैपिंग है, पल्पोटमी है, और वो हम बाद में चीजें डिस्कस करेंगे। अब हमने डिसाइड कैसे करना है कि भाई एक दांत है उसकी इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग होने वाली है या डायरेक्ट पल्प कैपिंग होने वाली है। अगर तो आपको रेडियोग्राफ पे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि पल्पल एक्सपोजर नहीं हुआ हुआ, फिर तो आप जी सीधी तरह जी इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेडियोग्राफ पे लग रहा है कि भाई शायद पल्प एक्सपोज है, क्योंकि डीप केरियस लेजन है ना, शायद नहीं है, तो फिर हमें क्लिनिकली उसको ऑब्जर्व करना होता है। क्लिनिकली कैसे ऑब्जर्व करना होता है, ये जो डेंटिस्ट है उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक एबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करेगी कि भाई ये किस तरफ जाएगा दांत। अब हमारे पास दो तरह की डेंटीन होती हैं, ठीक है, एक इफेक्टेड डेंटीन है और एक इन्फेक्टेड डेंटीन है। होता क्या है कि जब हम केरियस लेजन रिमूव करना शुरू करते हैं ना, तो ऊपर जो केरियस लेजन होता है वो इन्फेक्टेड होता है। जैसे जैसे हम डीप जाते जाते हैं, हो सकता है कि वहां पे वो अफेक्टेड डेंटीन आ जाए। अब दोनों में फर्क क्या है? इन्फेक्टेड डेंटीन, जैसे कि हमें टेबल में पता चल रहा है कि सॉफ्ट और डीमिनरलाइज्ड डेंटीन होती है और बैक्टीरिया से भरी होती है, यानी कि कंटेमिनेटेड है बिल्कुल, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते दांत के अंदर, छोड़ेंगे तो फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। इफेक्टेड डेंटीन क्या है, डीमिनरलाइज्ड तो है लेकिन उसमें अभी इतनी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब उसको अगर हम थोड़ा सा छोड़ भी दें दांत में तो वो इतना तंग नहीं करेगी। उसके बाद इन्फेक्टेड डेंटीन में जी कॉलेजन इररिवर्सिबली डीनेचर हो चुके होते हैं, यानी कि हम अब उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते, और जो अफेक्टेड है उसमें कॉलेजन क्रॉस लिंकिंग सही रहती है।
इन्फेक्टेड को आप जो मर्जी भी कर लें वो रीमिनरलाइज नहीं होगी, लेकिन इफेक्टेड पे अगर हम बेस लगाएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लगाएं, तो वो आपकी रीमिनरलाइज कर सकती है। उसके बाद अगर हम क्लिनिकली बात करें, ठीक है, तो हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो इन्फेक्टेड डेंटीन है उसमें सॉफ्ट नेक्रोटिक टिश्यू होता है और वो ड्राई लेदरी डेंटीन होती है, यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट से एकदम उसको जब चिप ऑफ करते हैं ना तो वो फ्लेक अवे करती है, एकदम समझें कि पूरा टुकड़ा जो है वो उड़ के साइड पे जाता है। उसके बाद जो इफेक्टेड डेंटीन है वो डिसकलर्ड होती है और ज़रा सॉफ्ट होती है, इतने आराम से वो फ्लेक अवे नहीं करती। लास्ट पॉइंट है इन्फेक्टेड डेंटीन का कि हमारे पास एक डाई होता है, ठीक है जी, 1% एसिड रेड इन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ये जो है सिर्फ उन चीज़ों को डाई करता है या दांत के उन स्ट्रक्चर को, डेंटीन को डाई करता है जो इरिवर्सिबली डी नेचर होते हैं। तो हमने देखा है कि इन्फेक्टेड जो है वो इरिवर्सिबली डी नेचर कॉलेजन है, तो उसको वो डाई कर देगा, हमें पता चल जाएगा ये इन्फेक्टेड है, उसको हम रिमूव कर देंगे। जो इफेक्टेड है उसको वो डाई ही नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा हम उसको रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन ये अपेरेंटली सुनने में बहुत ईजी लगता है, पर क्लिनिकली जब आप उसको देख रहे होते हैं तो इतना वो आपको नहीं समझ आता। तो वही बात है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि कितनी डेंटीन मैंने छोड़नी है, कितनी मैंने रिमूव करनी है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। अगर तो बिल्कुल पल्प के करीब तक इन्फेक्टेड डेंटीन है, ठीक है, फिर तो हमने उसको एक्सपोज पल्प को करना ही पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि हम जो है पल्प के करीब इन्फेक्टेड डेंटीन छोड़ दें और फिर बाद में वो फिर इन्फेक्शन हो जाए। तो जहाँ इन्फेक्टेड डेंटीन पल्प तक गई हुई है वहाँ तो हमें एक्सपोज करना पड़ेगा, फिर आइदर हमने डायरेक्ट पल्प कैप करना है, पल्पोटमी करनी है, जो भी करना है। लेकिन अगर एक इफेक्टेड डेंटीन की बीच में लेयर आ जाती है तो उस केस में हम उसको छोड़ देते हैं फिर वहाँ पे और उसके ऊपर आगे अपना प्रोसीजर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। ये जैसे पिक्चर में भी शो हो रहा है कि ऊपर डिके है, बीच में अफेक्टेड डेंटीन है और उसके नीचे आपका पल्प टिश्यू है। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? अ प्रोसीजर इन विच द डीपेस्ट लेयर ऑफ द रिमेनिंग अफेक्टेड डेंटीन, ठीक है जी, इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ बायो कंपैटिबल मटीरियल। जो अफेक्टेड डेंटीन है उसको छोड़ दिया हमने, उसके ऊपर एक हमने बायो कंपैटिबल मटीरियल डाला, ठीक है। क्या हमारा मकसद था? कि हम पल्पल एक्सपोजर को प्रिवेंट कर सकें और पल्पल ट्रॉमा को प्रिवेंट कर सकें, सही है? सीधा जो अभी हमने सारी डिस्कशन की है उस लिहाज से हमें डेफिनेशन आई होप समझ आ गई होगी। अब इसका एम क्या है? एम है जी कि हम पल्प की वाइटैलिटी को मेंटेन करें, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारी पहली प्रेफरेंस यही है। इसमें हमने कम्प्लीटली रिमूव करना है कैरियस इन्फेक्टेड डेंटीन को, और वही बात बार बार उसने रिपीट की है एम में भी कि मटेरियल आपने प्लेस करना है जिससे इफेक्टेड डेंटीन जो है वो रीमिनरलाइज हो जाएगी। अच्छा, अब हमने सिर्फ जो है सिम्टम्स की बेस पे, हिस्ट्री वगैरह पे नहीं कर सकते, लेकिन हिस्ट्री फिर भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बल्कि सारी हिस्ट्री लेके फिर ही आप आगे से कोई भी काम शुरू करेंगे, रेडियोग्राफ की तरफ जाएंगे और अपना डायग्नोसिस करेंगे। इनके जो प्रोसीजर्स हैं उनको याद करना इतना मुश्किल काम नहीं है। क्लिनिकली देखा जाए तो डायग्नोस करना कि भाई मैंने इधर आइदर इनडायरेक्ट पल्प कैप करना है, डायरेक्ट पल्प कैप करना है, पल्पोटमी करना है, मतलब आपको उस टाइम डायग्नोस करना बेसिकली मुश्किल लग रहा होता है। पेपर में भी बच्चों को यही मसला आ रहा होता है, तो हमने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अब डायग्नोस्टिक डेटा की अगर हम बात करें तो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा आपके पास आके कि टॉलरेबल पेन है उसको, डल पेन है और माइल्ड डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। अगर तो उसको रिवर्सिबल, ये बड़ा की पॉइंट है कि अगर तो पेशेंट को रिवर्सिबल पल्पाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि कम दर्द, थोड़ी देर बाद दर्द ठीक हो जाती है और जो भी आपको पता है रिवर्सिबल के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, अगर वो वाले साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो ही हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, डायरेक्ट पल्प कैपिंग या पल्पोटमी कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि प्रिजर्वेशन सिर्फ उस केस में हो सकती है जब आपके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस वाले हैं। अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और उसको इररिवर्सिबल पल्पाइटिस वाले सिम्टम्स हैं, वो आपको आके कहता है कि भाई मैं तो सारी रात सोया ही नहीं हूँ, या वो आपके पास आता है और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग के साथ आता है, तो इसका तो साफ मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वो नीचे रूट्स तक जा चुकी है। और वंस इन्फेक्शन रूट्स तक जा चुकी है फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का, डायरेक्ट का, पल्पोटमी का, फिर तो आपको पल्पेक्टमी ही करनी पड़ती है।
एक और चीज, पल्पेक्टमी कोई साइंस नहीं है, पल्पेक्टमी सिर्फ आरसीटी का एक स्टेप है जिसमें हम पल्प को रिमूव करते हैं, ठीक है। पल्पेक्टमी खुद कोई प्रोसीजर नहीं है, खुद कोई मतलब हम काम उस तरह नहीं करते, ये आरसीटी की एक सब हेडिंग समझ लें कि वो है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने देखी हिस्ट्री के टॉलरेबल डल पेन है पेशेंट को, थर्मल स्टिमुलेशन पे माइल्ड टू मॉडरेट पेन है पेशेंट को, कोई भी एक्सक्रूशिएटिंग पेन की उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहा वो। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमने देखा कि भाई बहुत बड़ा कीरियस लिजन था, ठीक है, कोई पल्पल एक्सपोजर उस तरह हमें प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आ रहा। पेशेंट को अगर हम इलेक्ट्रिक पल्प सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहे हैं या थर्मल स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और ये अच्छी बात है। जब भी इलेक्ट्रिक टेस्ट या थर्मल स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स आता है, इसका क्या मतलब है कि पल्प अभी अंदर जिंदा है। जिंदा बंदा ही रिस्पॉन्स देता है ना, अगर वो निक्रोज्ड हो चुकी है, मर चुकी है, तो फिर तो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। इसके बाद जो टूथ है वो रिस्पॉन्ड करता है नॉर्मल टू परकशन, ये भी बड़ा एक अहम पॉइंट है। परकशन जो है ना, क्या शो करती है, जब आप परकस करते हो दांत को और पेशेंट को दर्द होती है, इसका मतलब है कि पेशेंट की जो दांत है ना, उसके या तो एपेक्स के अराउंड कोई मसला है या उसको पेरी रेडिकुलर चेंजेस हैं, ठीक है। हो सकता है पेरी रेडिकुलर कोई इन्फेक्शन हुई हो, या मतलब इस तरह का मसला रूट्स रिलेटेड समझ लें, परकशन टेस्ट से पता चलता है। तो अगर पेशेंट का परकशन टेस्ट पॉजिटिव है, परकशन पे उसको शदीद दर्द है, फिर भी आपने किसी किस्म की पल्प कैपिंग पल्पोटमी भूल जानी है। बात वही है कि जब इन्फेक्शन रूट्स तक चली जानी है, फिर आपके पास पल्पेक्टमी आरसीटी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो परकशन टेस्ट जो है इसमें नॉर्मल होगा जब हमने इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करनी है। रेडियोग्राफ कराया जी आपने, रेडियोग्राफ ने एक लार्ज केरियस लिजन शो किया जिसमें पॉसिबल पल्पल एक्सपोजर हो सकता है, क्योंकि नीचे तो अफेक्टेड डेंटीन है ना जो हमने छोड़ देनी है, लेकिन रेडियोग्राफ में हमें लग रहा है कि बहुत क्लोजर टू द पल्प है, यानी कि डेंटीन का जो 3/4 पोर्शन है ना, वो डेंटीन ने कवर, वो सॉरी केरियस लिजन ने कवर किया है। उसके बाद हम क्लिनिकल प्रोसीजर की बात करते हैं कि क्या स्टेप होंगे कि हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करेंगे। जो मेनली स्टेप यूज होता है वो है स्टेप वाइज एक्सकेवेशन। स्टेप वाइज एक्सकेवेशन का क्या मतलब है कि ये नहीं कि एक ही दफ़ा सिटिंग में बैठ के आपने सारा कुछ निकाल के फिलिंग करके पेशेंट को भेज दिया, इस तरह ज़्यादा चांसेस हैं कि पल्पल एक्सपोजर हो जाए। आपने कोशिश करनी है पहले कि दो या दो से ज़्यादा इंक्रीमेंट्स अपॉइंटमेंट्स में आपने केरीज को रिमूव करना है, ठीक है। फर्स्ट विजिट में आपने क्या किया, थोड़ी सी सॉफ्ट डेंटीन केरीज रिमूव की, कैविटी को रीस्टोर किया, फ्यू वीक्स के बाद पेशेंट को बुला लिया, ठीक है जी। सेकेंड विजिट में आपने और थोड़ी सी एक्सकवेशन की, चेक किया पेशेंट को कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कोई दर्द वगैरह तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपने फाइनल रेस्टोरेशन प्लेस कर दी। ये वही मैंने आपको जैसे बताया, इन्फेक्टेड आपने रिमूव कर देनी है, इफेक्टेड रहने देनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का, कि केरीज लिजन प्रोग्रेशन को हम रोक सकें। जाहिर है अगर हम नहीं करेंगे इनडायरेक्ट पल्प कैप और उसको करने मतलब बढ़ने देंगे केरीज लिजन को, तो क्या होगा, फर्दर वो आरसीटी की तरफ ही जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने उस केरीज लिजन की जो प्रोग्रेशन है उसको रोकना है, और हमने रेपरेटिव डेंटीन को बनने देना है, सही है। और दूसरा इसका वही ऑब्जेक्टिव है कि पल्पल एक्सपोजर का चांस रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे हमने डिस्कस किया, ये टेबल भी है आपका ग्रॉसमैन में, और इसमें भी है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आप क्या करेंगे, डीप केरियस लिजन है, पेशेंट आपके पास आया है, आपने एनेस्थीजिया और रबर डैम आइसोलेशन की, केरीज रिमूव की, ठीक है जी। इन्फेक्टेड डेंटीन जो है वो हम राउंड बर्स से स्लो स्पीड हैंड पीस के साथ रिमूव करते हैं। वजह क्या है स्लो स्पीड हैंड पीस के साथ करने की, कि अगर तेजी में करेंगे तो हो सकता है हमसे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। और जो पेरिफेरल केरियस डेंटीन है वो हम स्पून शेप्ड एक्सकेवेटर से करते हैं, ठीक है। ऊपर से हमने सारी पहले स्लो स्पीड हैंड पीस से किया और फिर एक्सकेवेटर से। जैसे जैसे पल्प के क्लोज जाते जाएं, कोशिश करें कि आप एक्सकेवेटर यूज करें, क्योंकि जो हैंड पीस है वो एकदम एक्सपोजर करता है। एक्सकेवेटर से जरा आपको फीलिंग आती रहती है तो आप फील कर सकते हो कि आपने कितना रिमूव करना है। अच्छा जी, अब पल्पल एक्सपोजर नहीं हुआ, कोई साइंस नहीं है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस कि आपने केरीज रिमूव कर ली, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है कि जो इफेक्टेड डेंटीन है, ये सॉरी गलत लिखा हुआ है,
इन्फेक्टेड डेंटिन को आपने कवर करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इंटरमीडिएट रेजिन मटीरियल से, ठीक है, जो GIC वगैरह होता है बेसिकली. और आपने 3 से 8 वीक्स तक आपने उसके लिए वेट करना है. सेकेंड अपॉइंटमेंट में पेशेंट आया, 3 to 8 वीक्स गुजर चुके थे, पेशेंट एसिम्टोमेटिक था, बिल्कुल ठीक था. एनेस्थीजिया रबर डैम आइसोलेशन की दोबारा से, टेम्प्रेरी फिलिंग मटीरियल जो था उसको बड़ी ध्यान से रिमूव किया कि हम फिर से एक्सपोज ना कर दे कहीं पल्प. प्रॉपर एक्सकेवेशन की दोबारा से कंफर्म किया कि भाई हमने सारी इन्फेक्टेड डेंटीन ख़त्म कर दी है ना, सिर्फ इफेक्टेड ही रह गई है ना. कन्फर्मेशन हो गई तो फिर आपने हार्ट सेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस किया, उसके ऊपर GIC लगाया और उसके ऊपर आपने कॉम्पोजिट कर दिया. तो बेसिकली प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. मतलब ये जो लेयरिंग देनी है इसमें कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है. साइंस किस चीज़ में है कि आपने डायग्नोस करना है कि भाई किस केस में मैंने क्या काम करना है. उसके बाद एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ इनडायरेक्ट बल्ब कैपिंग, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट बल्ब कैपिंग है ये हमारी सक्सेसफुल होगी. पहली चीज़ है हमारे पास रिमेनिंग डेंटीन थिकनेस, और दूसरी चीज़ है हमारे पास चॉइस ऑफ इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट. अब जो है अमाउंट ऑफ डेंटीन प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोर ऑफ द कैविटी, ठीक है, जहाँ से कैविटी हमने बनाई है उसका फ्लोर, और वहाँ से लेके जो पल्प स्पेस तक है वो जो एक दरमियान में डिस्टेंस है ना, वो बेसिकली रिमेनिंग डेंटीन थिकनेस है. ठीक है जी, फ्लोर ऑफ द कैविटी और पल्प स्पेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रिमेनिंग डेंटीन डिस्टेंस है. अगर तो रिमेनिंग डेंटीन थिकनेस जो है वो 2 से 0.5 mm तक है, यानी कि 2 mm है या 1.5 mm है, 1 mm है, 0.5 mm भी है, तो अच्छा प्रोग्नोसिस है. आप इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करें, आपका दान जो है वो चल जाएगा. लेकिन अगर वो रिमेनिंग डेंटीन थिकनेस 0.5 से 0.25 mm के दरमियान है तो उसका जाहिर सी बात है फिर प्रोग्नोसिस कम बेहतर हो जाएगा, और अगर थिकनेस इससे भी कम हो जाएगी तो टुवर्ड्स फेलियर जाता जाएगा. तो ऑब्वियसली जितनी डेंटीन थिकनेस ज़्यादा होगी उतने चांसेस ऑफ सक्सेस होंगे, जितनी डेंटीन की थिकनेस कम होती जाएगी उतने चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ते जाएंगे. उसके बाद है जी चॉइस ऑफ इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हम यूजुअली यूज़ करते हैं या MTA भी यूज़ कर लेते हैं. इसका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि इसकी हाई अल्कलाइनिटी होती है, ठीक है जी, और ये डेंटिनल बैरियर जो हमें चाहिए होता है, ठीक है, वो बनाने में हमारी हेल्प करता है. उसके बाद अब हमने देख लिया कि पल्पल एक्सपोजर नहीं हुआ तो हमने इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कर दी अफेक्टेड डेंटीन को छोड़ के. लेकिन अब अगर पल्पल एक्सपोजर हो गया है, ठीक है जी, अगर बिल्कुल अफेक्टेड डेंटीन नहीं थी, सारी की सारी इन्फेक्टेड डेंटीन थी, तो अब उस केस में हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं. एक हमारे पास चॉइस है डायरेक्ट पल्प कैपिंग की, एक हमारे पास चॉइस है पल्पोटमी की, और एक हमारे पास चॉइस है पल्पेक्टमी की. इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. लेकिन वो फैक्टर्स जो कि पल्पल एक्सपोजर की प्रोग्नोसिस को बेहतर करते हैं वो हमने देखने हैं. अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर तो आपका जो पल्पल एक्सपोजर है वो किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, ठीक है, तो उसका ज़्यादा बेहतर प्रोग्नोसिस होता है. कैसे? अगर ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, फ़ौरन बच्चे को ले आए हैं, या हैंडपीस से आपसे ट्रॉमेटिक एक्सपोजर हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें उस तरह बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं होगी. जबकि अगर केरियस एक्सपोजर हुआ होगा तो वो पता नहीं कब का हुआ होगा और उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो गए होंगे. तो जब भी पल्पल एक्सपोजर ट्रॉमा की वजह से होता है तो उस पर हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग पल्पोटमी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कम होती है. उसके बाद जी कंट्रोल ऑफ हेमरेज अचीव्ड इन 10 मिनट्स. 10 मिनट में अगर आपने एक हेमरेज को कंट्रोल कर लिया है तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे. वजह यहाँ पे भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है. जितनी देर ब्लीडिंग बढ़ती जाएगी उतनी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन उसमें होती जाएगी. उसके बाद साइज ऑफ एक्सपोजर इज लेस देन 1 mm, ठीक है जी. एक्सपोजर अगर तो 1 mm बिल्कुल ज़रा सा एक्सपोजर हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी. अगर बड़ा सा केरियस लेजन होगा, बड़ा सा एक्सपोजर होगा, तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा. और लास्ट है कि ट्रीटमेंट अगर तो आपने आफ्टर एक्सपोजर 48 आवर्स में कर लिया है
तो ज़्यादा बेहतर प्रोग्नोसिस होगा, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम गुजर गया तो उसका प्रोग्नोसिस कम हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि पल्पल एक्सपोजर के प्रोग्नोसिस को इफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है डायरेक्ट पल्प कैपिंग। जैसे ये पिक्चर में भी शो हो रहा है कि अब पल्प एक्सपोज हो चुकी है। अ प्रोसीजर इन विच द एक्सपोज वाइटल पल्प इज कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग। ठीक है जी, ड्रेसिंग से हमारा मुराद वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह होता है। और हमने कहाँ ड्रेसिंग रखनी है? डायरेक्टली ओवर द साइट ऑफ एक्सपोजर, जहाँ पे एक्सपोजर हुआ है बिल्कुल उसके ऊपर रखना है। और हम हमारा मकसद क्या है कि हम पल्प वाइटैलिटी को मेंटेन कर सकें। अच्छा जी, ये अभी हम आगे करेंगे डायरेक्ट पल्प कैपिंग की डिस्कशन कि हम किस किस केस में कर सकते हैं। अभी हम इसके इंडिकेशंस पहले देखते हैं। अगर तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, यानी कि कोई बहुत शदीद उसको दर्द नहीं है। एसिम्टोमेटिक से यहाँ मुराद है कि बहुत ज़्यादा मुसलसल उसको दर्द नहीं हो रही या बहुत शदीद दर्द नहीं हो रही, हल्की फुल्की है तो वो चलेगा। नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा है बिल्कुल थर्मल टेस्टिंग को, पल्प भी वाइटल है, तो हम इस केस में डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर तो एक्सपोजर जो पल्पल एक्सपोजर हुआ है वो 0.5 mm से कम है डायमीटर में, फिर हम जो है वो डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं। अगर एक्सपोजर 0.5 mm से ज़्यादा है तो फिर हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं कर सकते, फिर हमें पल्पोटमी की तरफ जाना पड़ेगा। पल्पोटमी क्या है? कॉरोनल पोर्शन ऑफ द पल्प को रिमूव करना, यानी कि क्राउन में जो पल्प है उसको रिमूव करना हम पल्पोटमी कहते हैं। तो अगर एक्सपोजर 0.5 mm से कम है तो वो जो है डायरेक्ट पल्प कैपिंग हम कर सकते हैं, पर अगर उससे ज़्यादा है तो फिर हमें पल्पोटमी करनी पड़ेगी। पल्पोटमी पार्शियल भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जनरली पल्पोटमी देखते हैं। उसके बाद हेमरेज फ्रॉम द एक्सपोजर साइट इज़ कंट्रोल्ड विद इन 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर ब्लीडिंग कंट्रोल कर ली आपने तो ठीक है, पल्प कैपिंग कर दें, प्रॉबेबली उसका बेहतर प्रोग्नोसिस आएगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा देर होती रही, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो गई उसमें, फिर डायरेक्ट पल्प कैपिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, फिर आपको पल्पोटमी या पल्पेक्टमी की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपोजर क्लीन एंड अनकंटेमिनेटेड है, अगर यानी कि आपने रबर डैम आइसोलेशन की हुई थी, ज़बरदस्त किस्म की वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था कि वहाँ कोई बैक्टीरिया ना जाए, तो फिर तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग आपका काम करेगी। लेकिन वहाँ अगर सलाइवा आ रहा है और इधर उधर से गंद शंद आ रहा है और उसी में एक्सपोजर हो गया, तो जाहिर सी बात है वो फिर दांत के अंदर जाएगा, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन करेगा और डायरेक्ट पल्प कैपिंग की प्रोग्नोसिस को ख़राब करेगा। उसके बाद एट्रोमेटिक एक्सपोजर। यहाँ पहले मैंने आपको जैसे कहा था कि ट्रॉमा की वजह से एक्सपोजर हो तो पल्प कैपिंग ज़्यादा बेहतर प्रोग्नोसिस देती है, वो एक अलहदा पॉइंट है। यहाँ एट्रोमेटिक एक्सपोजर का मतलब है कि ये नहीं कि आपने बिल्कुल कसाईयों की तरह उसको ढील की है और बर जो है वो इधर उधर बुरे तरीके से चलाया है। एट्रोमेटिक होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही बुरे तरीके से आपने सारा स्ट्रक्चर डैमेज किया है। और अगर अच्छे तरीके से किया होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड फिर डेंटीन में नहीं जाएगा, और डेंटीन लेकिन अगर ब्लड में चला गया तो फिर आप नहीं कर सकते। और वो जो डेंटीन के अंदर ब्लड जाना है उसकी वजह से डेंटीन जो रेडिश हो जाती है उसको हम कहते हैं डेंटीन ब्लशिंग। अब हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग की ये टेक्निक देख लेते हैं। पल्प एक्सपोज हो गई जी, अब हमारे पास कैरियस अगर हो गई तो बेहतर है कि आप ना करें पल्प कैपिंग, पल्पोटमी की तरफ ही जाएं। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक ट्राई दे भी सकते हैं, लेकिन बुक में यही लिखा है कि कैरियस एक्सपोजर की वजह से, बेशक वो कैरियस एक्सपोजर 0.5 mm से कम है, ठीक है जी, तो उसमें इतनी अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है। ट्राई किया जा सकता है लेकिन इतनी अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है, और वजह बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है। क्लिनिकल प्रोटोकॉल जो है डायरेक्ट पल्प कैपिंग का, हमारी पल्प एक्सपोज हो गई, उसके बाद एनेस्थीजिया और रबर डैम आइसोलेशन, ठीक है जी। अब हमने ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल करनी है? 6% सोडियम हाइपोक्लोराइट से। दो तरह की टेक्निक्स हैं हमारे पास। हम पल्प कैप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते हैं, हम पल्प कैप MTA से भी कर सकते हैं। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जो पल्प एक्सपोज है सिर्फ उस पॉइंट पे, यानी कि पूरी आपने उसके फ्लोर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी भर देना है, आपने उस स्पेसिफिक पॉइंट पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाना है, उसके ऊपर आपने RMGIC की बेस देनी है और ऊपर आपकी फाइनल रेस्टोरेशन आ जाएगी।
अगर आप MTA टेक्निक की बात करें तो उसमें आपने इंटरिम यानी वही GIC रेस्टोरेशन बेसिकली मॉइस्ट कॉटन के साथ देनी है, ठीक है जी। और दो विजिट टू में क्या होगा कि आपने उसमें फाइनल रेस्टोरेशन दे देनी है। ऑब्वियसली MTA लगाना है, उसके ऊपर GIC लगानी है, और उसके बाद विजिट टू में आपने फाइनल रेस्टोरेशन दे देनी है। अब हमारे पास आ रहा है इपेक्सोजेनेसिस एंड इपेक्सिफिकेशन। ये मैंने पल्पोटमी से पहले इसलिए रखा है क्योंकि आपको अगर ये समझ आएगी तो ही आपको समझ आएगा कि भाई हमने कब पल्पोटमी करनी है, कब हमने पल्पेक्टमी करनी है। वरना आप हर केस में कहोगे कि भाई पल्पोटमी का रिस्क ही क्यों लेना है, पल्पेक्टमी करो, RCT करो और सेव करो दांत को। लेकिन अब ये जो एपेक्सोजेनेसिस और एपेक्सिफिकेशन का बीच में रौला है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एपेक्सोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। अब आप में से जितने लोग हैं जिनके भी दांत इरप्ट हुए हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे ही दांत इरप्ट हो गया साथ ही उसका एपेक्स भी क्लोज हो गया हो। हमेशा ये होता है कि जब भी दांत आपके मुंह में इरप्ट करता है उसके 2 to 3 years के बाद उसका रूट एपेक्स क्लोज होता है, ठीक है। जो एपेक्स है रूट का वो 2 to 3 years बाद उस दांत का क्लोज होता है इरप्शन के बाद। अब वो जो एपेक्स क्लोज होता है ना, उसको कौन सिग्नल देता है, आपकी पल्प सिग्नल देती है, ठीक है। जो आपकी रेडिकुलर पल्प है यानी कि जो आपकी रूट्स के अंदर पल्प है वो सिग्नल देती है एपेक्स को, एक किस्म, मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एपेक्स को सिग्नल देती है और फिर एपेक्स क्लोजर हो जाता है। अगर आपने पल्प निकाल दी किसी भी वजह से, दांत तो इरप्ट हो गया वह 2-3 years पहले का, हो सकता है केरियस लेजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने किसी भी रीज़न की वजह से पल्प निकाल दी तो वो एपेक्स क्लोज खुद नहीं होगा। उस एपेक्स को क्लोज होने के लिए पल्प का दांत में होना ज़रूरी है और रूट्स पोर्शन में होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। अब अगर हम किसी दांत में चाहते हैं कि इसका एपेक्स खुद नॉर्मली क्लोज हो जाए, हमें खुद कोई आर्टिफिशियली कुछ ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि रूट्स वाली पल्प अंदर ही रहे। कॉरोनल चलो अगर हमें रिमूव करनी पड़ रही है, केरियस लेजन वहां तक चला गया हुआ है, तो हम कॉरोनल रिमूव कर देते हैं, रूट्स के अंदर वाली पल्प रहने देते हैं ताकि ये इसका एपेक्स नेचुरली क्लोज हो जाए, हमें कोई काम ना करना पड़े। तो ये जो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम रेडिकुलर पल्प रहने देते हैं दांत के अंदर इन ऑर्डर टू अलाउ द नेचुरल क्लोजर ऑफ रूट, उसको हम कहते हैं एपेक्सोजेनेसिस। यानी इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है, हमने सिर्फ पल्प को बचाना है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि खुद बखुद चलना है। यानी कि हम सबके दांतों में एपेक्सोजेनेसिस हुई हुई है, ठीक है जी। हमारे दांतों में पल्प थी, एपेक्स खुद ही क्लोज हो गया, यानी कि हमारे दांतों में एपेक्सोजेनेसिस हुई। लेकिन अब अगर एक पेशेंट आपके पास आया है इतनी बड़ी स्वेलिंग के साथ, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के सिम्टम्स के साथ, और हमें मतलब उसकी पल्प निकालनी ही निकालनी है रेडिकुलर पोर्शन वाली, उसकी इन्फेक्शन रूट्स तक जा चुकी है, अब एपेक्स क्लोज है या एपेक्स क्लोज नहीं है, दोनों केसेस में हमें तो अब पल्प निकालनी है, इन्फेक्शन तो अंदर नहीं रहने दे सकते अगर रेडिकुलर रूट्स तक चली गई हुई है। तो अब हमने वो पल्प निकाल ली, अब तो एपेक्स क्लोज ही नहीं होगा, जब तक एपेक्स क्लोज नहीं होगा प्रॉपर ऑब्चुरेशन नहीं होगी, ठीक है जी। तो उस केस में जब हम रूट्स वाले पोर्शन में से पल्प को निकाल लेते हैं और खुद एक बैरियर बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या MTA अंदर डाल के, तो उस आर्टिफिशियल मेथड को हम एपेक्सिफिकेशन कहते हैं। इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही बात है, आगे प्रोसीजर इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। एपेक्सोजेनेसिस एक नेचुरल प्रोसीजर है, इसमें हमने सिर्फ पल्प को सेव करना होता है और नेचुरली हमने अलाउ करना है कि दांत जो है वो अपना एपेक्स क्लोज कर ले। लेकिन जो एपेक्सिफिकेशन है उसमें हमने क्या करना है, इंड्यूस करना है कैल्सिफिक बैरियर अक्रॉस एन ओपन एपेक्स ऑफ एन इमेच्योर पल्पलिस्टर, ठीक है जी। इमेच्योर का क्या मतलब है कि जिसकी एपेक्स क्लोजर नहीं हुई होती। अभी हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स है एपेक्सिफिकेशन के, एक मल्टीपल विजिट एपेक्सिफिकेशन प्रोसीजर है, एक सिंगल विजिट है। पहले हम मल्टीपल विजिट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल विजिट हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है जी, और सिंगल विजिट होता है हमारा MTA के साथ।
जैसे कि मैंने बताया है, एपेक्सोजेनेसिस तो एक नेचुरल प्रोसीजर है, तो उसका कोई प्रोसीजर क्या ही हो सकता है? मतलब हम तो नहीं बता सकते कि ऐसे करें ऐसे करें, जैसे हम अभी एपेक्सिफिकेशन में बताने लगे हैं। एपेक्सोजेनेसिस तो खुद होनी है, ठीक है जी। हमने बस कोशिश करनी है कि पल्प को बचा ले किसी तरह। अब उस पल्प को हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग से भी बचा सकते हैं। हम अगर इन्फेक्शन पल्प तक चली गई है तो हम पहली कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग करके उसको बचा लें पल्प को। फिर अगर हम देखते हैं नहीं भाई कॉरोनल पोर्शन ऑफ द पल्प तक इन्फेक्शन चली गई है, हम कोशिश करेंगे पल्पोटमी करके पल्प को बचा लें। तो हमारा मकसद क्या होगा कि पल्प को हमने सेव करना है। अब ये जो मल्टीपल स्टेप एपेक्सिफिकेशन है, ठीक है जी, इसमें आपने एनेस्थीजिया दिया, रेबरडर्म आइसोलेशन की, एक्सेस ओपनिंग की बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद वर्किंग लेंथ आपने मेजर की, क्योंकि आपने देखने आपने एपेक्स में बैरियर बनवाना है ना, तो एपेक्स का पता होगा तो ही आप वहां तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, वरना हो सकता है आप 3 से 4 mm ऊपर ही कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, पता ही ना चले कि कहाँ तक गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वर्किंग लेंथ आपने डिटरमाइन करनी है, लेकिन वर्किंग लेंथ जो है 2 mm शॉर्ट होनी चाहिए रेडियोग्राफिक एपेक्स से, क्योंकि जो क्लिनिकली होता है और रेडियोग्राफिकली होता है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती हैं। तो 2 mm जो हमें रेडियोग्राफ जितनी लेंथ शो कर रहा है उससे 2 mm हमने शॉर्ट रखना है। उसके बाद हमने उसको इनलार्ज करना है, ठीक है, फाइल से लेटरल प्रेशर लगा के उसको क्लीन करना है बेसिकली केनाल को। फिर ड्राई करना है केनाल को आपने पेपर पॉइंट्स के साथ। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने डालनी है। अच्छा, एक और बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 2 किस्म की होती है, ठीक है। एक वो होती है जो टेम्परेरी यूज के लिए होती है, यानी कि वो सेट नहीं होती, ठीक है, वो हम डालते हैं अगली दफा जब 3-4 weeks के बाद भी हम उसको खोलेंगे तो वो सेट नहीं हुई होगी अंदर, आप इजीली उसको रिमूव कर सकेंगे। लेकिन कुछ एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है जो प्रॉपर सेट हो जाती है, उसको हम बेस के तौर पर यूज करते हैं। तो ये जो सेट नहीं होती ना, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स करके लगाना होता है, थिक सी कंसिस्टेंसी लेनी होती है उसकी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने किनाल के अंदर डालना होता है। पेस्ट आपने किनाल के अंदर डाली, किस तरह डाल सकते हैं आप, एमलगम कैरियर के थ्रू डाल सकते हैं, फिंगर प्लगर्स के थ्रू डाल सकते हैं, फाइल्स के थ्रू डाल सकते हैं, जिस तरह भी एंड तक पहुंच जाए। पूरी रूट केनाल आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट से फिल कर ली, और ये बात आपने इंश्योर करनी है कि जो पेरी एपिकल टिश्यूज हैं जहां हमने एपेक्स बनाना है वहां तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जानी चाहिए। कैसे कंफर्म करेंगे? रेडियोग्राफ से, रेडियोग्राफ पे शो होता है। उसके बाद एक्सेस कैविटी जो है उसको आपने सील कर दिया RMGIC से। पेशेंट को 3 माह बाद बुलाया, ठीक है, देखा रेडियोग्राफ करके कि भाई बैरियर बन गया, एपेक्स क्लोज हो गया कि नहीं। अगर तो एपेक्स क्लोज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्जर्वेशन कर दें। लेकिन अगर एपेक्स क्लोज नहीं हुआ तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग चेंज कर दें, यानी पिछली वाली निकाल लें वही फाइलिंग वगैरह प्लगर्स से, और नया मिक्स करके उसमें डाल दें। फिर 3 months वेट करें, और फिर जो है आपने मतलब 3 months के बाद आपने देखते जाना है कि एपेक्स बन गया। जब भी बन जाएगा तो फिर उसकी प्रॉपर RCT होगी, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। उसके बाद सिंगल विजिट एपेक्सिफिकेशन MTA के साथ। इसमें हमारे पास क्या है, एनेस्थीजिया, रबर टाइम आइसोलेशन और एक्सेस ओपनिंग, वर्किंग लेंथ जैसे हमने पहले डिस्कस किया है एटलीस्ट 2 mm शॉर्ट होनी चाहिए रेडियोग्राफिक एपेक्स से। फिर आपने सर्कमफ्रेंशियल इनलार्जमेंट करनी है, ड्राई करना है केनाल को पेपर पॉइंट से, MTA को आपने मिक्स करना है 3:1 में जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद पेस्ट को डिलीवर करना है केनाल में MTA कैरियर के साथ या वही प्लगर्स के साथ। मटेरियल को आपने कंडेंस करना है एपिकल प्लग में, एपिकल जो पोर्शन है उसमें, उसके ऊपर मॉइस्ट कॉटन पैलेट लगानी है, और 48 hours के बाद पेशेंट को रिकॉल कर लेना है। देखना है MTA ने बैरियर बना दी है तो आपने ऑब्जर्वेशन कर देनी है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लंबी ड्यूरेशन मन में काम करता है 3 months के बाद, और हमें मल्टीपल विजिट्स चाहिए होते हैं। जबकि अगर हम सिंगल विजिट एपेक्सिफिकेशन की बात करें तो हम MTA यूज़ कर रहे हैं और वो हमें फ़ौरन रिजल्ट्स देता है। उसके बाद जी हमारे पास आ गया अब पल्पोटमी। पल्पोटमी क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो कॉरोनल वाइटल पल्प है, कॉरोनल पोर्शन है पल्प का, उसको आपने रिमूव करना है। और क्यों रिमूव करना है, ताकि आप रेडिकुलर पोर्शन ऑफ द पल्प की वाइटलिटी को मेंटेन कर सको। ज़्यादातर हम कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं या MTA यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे हमें पता है, हमने पढ़ा है कि प्रिजर्वेशन ऑफ वाइटलिटी ऑफ द रेडिकुलर पल्प,
ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेशेंट को दर्द हो रही है, कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं टिश्यू में, तो आपने उसको जो है वो रिलीफ करना है पेशेंट को पेन से। तीसरी चीज़ क्या है कि हमने नॉर्मल एपेक्सोजेनेसिस प्रोसीजर जो है इमेच्योर दांतों में उसको हमने कंटिन्यू होने देना है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, हम एपेक्सोजेनेसिस होने देंगे, हम नहीं निकालेंगे रेडिक्यूलर पल्प और उसको नेचुरली बंद होने देंगे। इंडिकेशंस अब हमारे पास क्या है पल्पोटमी की, मैकेनिकल और केरियस एक्सपोजर इन परमानेंट टीथ विद इनकम्प्लीट रूट फॉर्मेशन। आपने देखा है ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, एक दफ़ा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको ये समझना मुश्किल नहीं लगेगा। तो मैकेनिकल या केरियस एक्सपोजर अगर हुआ है परमानेंट टीथ में जिसमें अभी रूट फॉर्मेशन नहीं हुई, एपेक्स क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि एपेक्स आप अब जो एक्सपोजर हो गया बेसिकली वो इतना नहीं है कि हम डायरेक्ट पल्प कैप कर सकें, वो 0.5 mm से ज़्यादा है, या उसको 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, या उसको 48 आवर से ज़्यादा का टाइम हो गया एक्सपोजर हुए हुए, यानी कि हमारे पास अब डायरेक्ट पल्प कैपिंग की ऑप्शन हाथ से निकल गई है, तो फिर हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि हम पल्पोटमी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रोमेटिक एक्सपोजर्स ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन वेयर कॉरोनल पल्प इज लाइकली टू बी इन्फ्लेम्ड इन यंग परमानेंट टीथ। फिर पल्पली इन्वॉल्व परमानेंट टीथ ऑफ चिल्ड्रन इन विच रूट एपेक्स इज नॉट कम्प्लीटली फॉर्म्ड। अब इसने एक बात कही है कि अगर आपका एपिकल 3 to 4 mm पल्प टिश्यू का भी वाइटल है, ठीक है, सिर्फ एपिकल 3 to 4 mm, फिर भी रूट एपेक्स अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकता है, यानी कि अपनी एपेक्सोजेनेसिस वो कर सकता है। पूरी रूट में पल्प होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एंड की 3 to 4 mm पल्प भी अगर वाइटल है ना, तो आपका जो रूट एपेक्स है वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है पल्पोटमी की, पेशेंट विद इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। ये मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का मतलब है कि एंड तक, बिल्कुल रूट की एंड तक काम खराब हो चुका हुआ है, ठीक है, और स्वेलिंग भी होगी पेशेंट को, परकशन पे भी दर्द होगी इस केस में। तो जहाँ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस वाले साइंस एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है, आपने RCT ही करनी है, आपने ये वाले ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना। फिर जो एबनॉर्मल सेंसिटिविटी है अगर उसको हीट एंड कोल्ड की, क्रोनिक पल्पेजिया यानी ये वही इरिवर्सिबल वाले साइंस, टेंडनस टू परकशन, परकशन का भी मैंने आपको बताया था कि परकशन होती ही तब है पेशेंट को, टेंडरनेस परकशन पे होती ही तब है अगर पेरीरेडिकुलर चेंजेस हो, कोई पेरीरेडिकुलर इन्फेक्शन हो, यानी कि रूट के अराउंड कोई इन्फेक्शन हो, तो उस केस में तो हमने नहीं करना ये, उस केस में तो हमने RCT करनी है। तो अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन आते हैं पल्पोटमी के, तो आप अपने जहन में सोचो कि भाई इरिवर्सिबल के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, पेशेंट को शदीद दर्द होती है और पेशेंट की रेडियोग्राफिक चेंजेस जो हैं उसमें पेरीरेडिकुलर रेडियोग्राफिक चेंजेस होते हैं, परकस करेंगे पेशेंट को दर्द होगी, तो यानी कि ये जो सारे इरिवर्सिबल वाले साइंस एंड सिम्टम्स है वो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसकी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग की भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है और डायरेक्ट पल्प कैपिंग की भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन। अब ये थोड़ा सा एक कह लें कि चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, लेकिन एक चीज़ है जी पार्शियल पल्पोटमी, एक चीज़ है कंप्लीट पल्पोटमी। अब पल्पोटमी जो है यानी जिसमें हमने कॉरोनल पोर्शन रिमूव करना है टूथ का, पल्प का, ठीक है, अब वो भी हम चाहें तो पूरा कॉरोनल पोर्शन ना रिमूव करें, थोड़ा सा कॉरोनल पोर्शन रिमूव कर लें जहाँ जहाँ जो हमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस फील हो रहे हैं, तो अगर हम वो जो दांत का कॉरोनल पोर्शन है उसकी पल्प को भी सारा रिमूव नहीं करते, थोड़ा सा रिमूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल पल्पोटमी या सीवेक्स पल्पोटमी। लेकिन अगर जो दांत का कॉरोनल पोर्शन है उसकी पल्प को हम कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, तो उस केस में उसको क्या हम कहते हैं, कंप्लीट पल्पोटमी। डेफिनेशन एक दफ़ा हम पढ़ते हैं इसकी, अ काइंड ऑफ पल्पोटमी, ये पार्शियल की पढ़ी हूँ मैं, अ काइंड ऑफ पल्पोटमी इन विच ओनली अ पोर्शन ऑफ कॉरोनल पल्प इज रिमूव्ड और रिमूवल ऑफ टिश्यूज अंटिल नॉर्मल टिश्यू दैट इज फ्री ऑफ इन्फ्लेमेशन इज रीच्ड बिफोर प्लेसिंग अ मेडिकमेंट।
ठीक है जी, हमने थोड़ा सा अब डायरेक्ट पल्प कैपिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि एक्सपोजर बढ़ा है या वट एवर द रीजन्स, लेकिन हमने थोड़ा सा पल्प को रिमूव किया, कॉरोनल पोर्शन को। हमें लगा कि हमें पूरे कॉरोनल पोर्शन को रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा कॉरोनल पोर्शन जो है वो इन्फ्लेमेशन वहाँ हुई ही नहीं हुई, तो हम छोड़ देंगे वहीं पर। उधर ही ऊपर एक मेडिकमेंट लगाई और उसको सील कर दिया। ज़्यादातर ये किस केसेस में इंडिकेटेड होता है, जहाँ पिन पॉइंट एक्सपोजर हुआ होता है लेकिन 15 टू 18 आवर्स ऑफ एक्सीडेंट में आपने उसको ट्रीट नहीं किया होता। ठीक है जी, जो आपका है डायरेक्ट पल्प कैपिंग, उसमें क्या है कि आपने विद इन 10 मिनट्स आपने उसको ट्रीट करना है, हेमरेज कंट्रोल करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ वह कि अगर 10 मिनट में नहीं हुआ, देर ज़्यादा हो गई है, 15 से 18 घंटे हो गए हैं, है बेशक पिन पॉइंट एक्सपोजर ही, लेकिन अब हम उसको डायरेक्ट पल्प कैप नहीं कर सकते। इस केस में हमने उसको पल्पोटमी की तरफ जाना है, पार्शियल पल्पोटमी की तरफ। या केरियस एक्सपोजर अगर हुआ हुआ है, तो हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट पल्प कैपिंग में जो है वो केरियस एक्सपोजर का प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है क्योंकि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। तो अगर केरियस एक्सपोजर की वजह से आपको करना पड़ रहा है कुछ, तो बेहतर है कि आप पल्पोटमी करें इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट पल्प कैपिंग। पल्पोटमी बेहतर है, कर आप दोनों सकते हैं लेकिन पल्पोटमी बेहतर है। स्टडीज हैं जिन्होंने इंडिकेट किया है कि जो हमने जिस केरियस एक्सपोजर की केस में अगर हमने पार्शियल पल्पोटमी की है, तो हमें 95% सक्सेस रेट मिला है। अगर हमने डायरेक्ट पल्प कैपिंग किया तो हमें 80% मिला है, ठीक है, एक्सपोजर के केस में। तो बेसिकली दोनों किए जा सकते हैं लेकिन पार्शियल पल्पोटमी ज़्यादा बेहतर है। कंप्लीट पल्पोटमी में हमने देखा है जी, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ कॉरोनल पोर्शन ऑफ द डेंटल पल्प फॉलोड बाय प्लेसमेंट ऑफ अ सूटेबल ड्रेसिंग और मेडिकमेंट दैट विल प्रोमोट हीलिंग एंड प्रिजर्व वाइटैलिटी ऑफ द टूथ। अच्छा जी, अब हमने इसका समझ लिया, पल्पोटमी हमने कब करनी है, पल्पेक्टमी हमने कब करनी है, डायरेक्ट पल्प कैपिंग इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कब करनी है। इसमें एक सेकेंड ज़रा, इसमें जो प्रोसीजर है पल्पोटमी का, उसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। जैसे ही हमने डायरेक्ट पल्प कैपिंग इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग की है, सेम इसका वही तरीका है जो उसमें किया है, वही हमने इसमें करना है। आपने उसी तरह ओपनिंग वगैरह की, ओपनिंग करके आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस कर सकते हैं, MTA प्लेस कर सकते हैं। यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि फॉर्मोफ्रीसोल हम प्राइमरी दांतों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कोई अभी मतलब ज़रा डाउटफुल ही है। कुछ लोग इसको प्रमोट करते हैं, कुछ लोग इसको प्रमोट नहीं करते। तो आपने वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा, RMGIC की बेस लगाई ऊपर और ऊपर आपने परमानेंट रेस्टोरेशन कर दी। तो प्रोसीजर्स इनके सब के सिमिलर ही हैं, बस इनकी जो डायग्नोसिस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, एक दफ़ा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। क्या है, अगर तो एक्सपोजर नहीं हुआ पल्प का, तो उस केस में हमने क्या करना है, हमने इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करनी है। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में हमने इन्फेक्टेड डेंटीन को रिमूव कर देना है, अफेक्टेड डेंटीन को हमने रहने देना है, और ऊपर वही बेस वगैरह लगा के ऊपर आपने फिलिंग कर देनी है। डायरेक्ट पल्प कैपिंग में आपका पल्पल एक्सपोजर हो गया है, लेकिन आपने देखनी है उसकी कंडीशंस क्या हैं। जैसे ये बॉक्स 10.3 मैंने आपको दिखाया है इसमें स्लाइड में कि पल्प एक्सपोज्ड है। अब साइज ऑफ एक्सपोजर सबसे पहले हमारा पॉइंट है। अगर तो साइज ऑफ एक्सपोजर स्मॉल है, यानी कि 0.5 to 1 mm के दरमियान है, तो हम या तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं या हम सीवेक्स पार्शियल पल्पोटमी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना डायरेक्ट पल्प कैपिंग या पार्शियल पल्पोटमी यहाँ करनी चाहिए। अगर तो फटाफट आपको पता चल गया है और इतने एक्सपोजर का आपने विद इन 10 मिनट्स ही ट्रीटमेंट कर देना है, तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग गुड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब कुछ घंटे गुजर गए हैं, हो सकता है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन अंदर तक चली गई हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने पार्शियल पल्पोटमी कर लेनी है। लेकिन अगर साइज ऑफ एक्सपोजर जो है वो लार्ज है, 1 to 2 mm तक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट पल्पोटमी कर सकते हैं या पल्पेक्टमी कर सकते हैं। अब इन दोनों में हमने कैसे डिसाइड करना है कि हमने कंप्लीट पल्पोटमी करनी है या पल्पेक्टमी करनी है। एक तो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कहाँ तक गई हुई है,
और दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो वही बात है कि अगर तो एपेक्स क्लोज है फिर तो इतना मसला नहीं है, फिर आप पल्पेक्टमी भी कर लो तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर एपेक्स क्लोज्ड नहीं है तो हमारी प्रेफरेंस पल्पोटमी होनी चाहिए। लेकिन प्रेफरेंस का ये मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन नीचे तक है और आप कोशिश करें मैं बस बचा लूँ, प्रेफरेंस पल्पोटमी है, लेकिन अगर इन्फेक्शन नीचे तक है बेशक एपेक्स क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है तो उस केस में आपने पल्पेक्टमी ही करनी है। उसके बाद ड्यूरेशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड ट्रीटमेंट, अगर तो एक्सपोजर और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन अप टू 48 आवर्स है तो फिर आप पार्शियल पल्पोटमी करेंगे, अगर वो 48 आवर्स से ज़्यादा हो गया है तो फिर आप कंप्लीट पल्पोटमी या पल्पेक्टमी करेंगे। वही बात फिर से, पल्पेक्टमी और पल्पोटमी का आपने डिसीजन क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स की बेस पे करना है और एपेक्स क्लोजर या नई क्लोजर जो भी है उस बेस पे करना है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज ब्लीडिंग कंट्रोल, अगर तो 10 मिनट से कम टाइम में ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है ठीक है जी, तो आप डायरेक्ट पल्प कैपिंग करेंगे और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं हुई आप उसमें पार्शियल पल्पोटमी भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन इसमें डायरेक्ट पल्प कैपिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर ज़्यादा हो गया टाइम फिर आप जो है वो पल्पोटमी या पल्पेक्टमी की तरफ ही जाएंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो लेक्चर हमारा यहाँ पे ही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा लेक्चर था आपका, मैंने सुना है बड़ा अच्छा, अच्छी चीज़ें, काफ़ी नई नई चीज़ें पता लगी, जिस तरह आपने ब्लशिंग की बात की और एक दो बातें इस तरह से, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं पूछ लेते हैं किसी को, समझ भी आ गई, बिल्कुल बहुत अच्छी समझ आई है। अगर किसी का कोई सवाल है तो बेशक वो अगर अगर उसने पूछना हुआ तो आंसर कर दें, या आप अपने पास लाइव चैट खोल लें, आपको शो नहीं हो रही, मुझे आ रहा है क्रिएट अ चैनल टू जॉइन द चैट समथिंग लाइक दिस। अच्छा वो आप स्टूडियो पे आ जाएं, स्टूडियो में है ना आपका, स्टूडियो पे साइड पे नजर आ रहे होंगे, पावर पॉइंट पे नीचे करके साइड पे आपके पास। ये किसी अहमद निसार ने पूछा है, इनडायरेक्ट कैपिंग और स्टेप वाइज एक्सकेवेशन में कोई फर्क है भाई? इनडायरेक्ट कैपिंग का प्रोसीजर ही स्टेप वाइज एक्सकेवेशन है। और दूसरा उसने कहा है, मैं आप जवाब दें, बेशक मैं नीचे पूछ लेता हूं दोबारा ना, किसी को और सवाल है तो आ जाएगा, शो हो जाएगा। ये अच्छा, ये स्टेप वाइज वाला, वैसे मुझे भी थोड़ा सा इस तरह क्लियर नहीं हुआ कि स्टेप वाइज मुराद ये कि हम मतलब उसकी जो पहले थोड़ी सी क्वेरीज हैं उसको रिमूव करके फिर टेंपरेरी रिस्टोरेशन करके उसे बाद में दोबारा बुलाते हैं सेकंड पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का ही प्रोसीजर है स्टेप वाइज एक्सकेवेशन बेसिकली। और बाकी उसने कहा है आर्ट एंड साइंस में कोई और टर्म्स यूज हुई हुई है, ऐसा नहीं है, आर्ट एंड साइंस में भी वही टर्म्स यूज हुई हुई है, अफेक्टेड और इन्फेक्टेड भी यूज हुई हुई है। था कौन ये शो होता है कि कौन कौन व्यू कर रहा था? ये नहीं शो होता। अच्छा अच्छा वो अगर जो जिन जो सुन भी रहे होंगे ना, अगर उन्होंने रिप्लाई किया वो उसमें आना हुआ तो उसमें कमेंट कर देंगे, पता लग जाएगा ये लोग। दो मिनट देख लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, अगर किसी का सवाल आता है ठीक है, वरना मेरी तरफ से आज का लेक्चर बड़ा बेस्ट था। थैंक यू। ये कौन है? शौकत महमूद। ओवरऑल बड़ा अच्छा लगता था मेरे ख्याल से बजर भाजी, किसी का कोई सवाल नहीं है ना ही कोई फीडबैक दे रहा है, 8 लोग हैं तो ऑनलाइन चले बेशक फिर चलो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, 1-2 मिनट इंतजार कर लेते हैं। हां ये सलीम माशा अल्लाह।
अच्छा फजल भाजी, आप एंड में थोड़ा सा हमें थोड़ा गाइड कर दें। अब आपको पता ही है जिस कल मतलब अब डिले हो गया हमारा प्रोफ का, कुछ इसी तरह हिसाब किताब बन रहा, मतलब पेपर नहीं होंगे, तो अब आप क्या देती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी हो रही हैं, ठीक है, वो सुबह होती हैं, तीन चार घंटे होती हैं, डिस्कशन लेक्चर भी हो जाता है रोज एक सब्जेक्ट का, लेकिन आप हमें क्या गाइड करेंगी, मतलब आपने भी किया ना तो आपको पता होगा इस लेवल पे मतलब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको ज्यादा टाइम देना चाहिए और हमें इस क्वारंटाइन को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। जो है वो लेंथी बहुत है, इस वजह से आपको उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, वरना तो वही बात है कि सारे सब्जेक्ट्स अपनी जगह इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिव लंबा बड़ा होता है तो इसलिए जरा मुश्किल लगता है बच्चों को, और सर्जरी में सप्लियां बड़ी लगती हैं इसलिए उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सर्जरी, यस सर्जरी का पूछना था, सर्जरी के लिए क्या करें, मतलब समझ नहीं आ रही। मैंने तो कंटेंपररी की थी, हमारी भी मतलब आज तक हमें किसी को भी समझ नहीं आ सकी कि सप्ली आती क्यों है, मतलब कोई उस तरह रीजन नहीं समझ आई ना कि क्या वजह क्यों आती हैं इतनी सप्लियां। मुझे मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि बच्चे क्वेश्चंस सही तरह पिक नहीं करते, सवाल कुछ जवाब कुछ वाला हिसाब या तो सवाल और दूसरी वही बात है कि मैं जब पेपर दे के बाहर निकली ना तो मुझे फील हुआ था, तब तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैं भी पास होंगी कि नहीं, लेकिन तब जो मैंने देखा वो ये था कि बच्चे जो है ना सवाल कुछ था लेकिन डिटेल इतनी ज्यादा उन्होंने देखा है कि समझ लो कि पूरे दो पेजेस में से एग्जामिनर को भी इनमें से शायद ढूंढना पड़ता कि भाई इसका जवाब कहाँ लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा उसको समराइज करने की भी जरूरत नहीं है, एक दरमियाना सा आंसर और टू द पॉइंट होना चाहिए तो मुझे लगता है आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक ठीक, और जो एक और चीज है वैसे वो जो आपने फ्रैक्चर्स कहाँ से किए थे, फ्रैक्चर्स का थोड़ा बहुत मैंने पूछना था। मैंने ना किए थे, एक तो मैंने कंटेम्पररी से तो किया ही किए थे, बाकी एक सर है उनके नोट्स थे वेरियस पॉइंट पे हैं, मुझे नाम भूल गया उनका, मैं देख लूंगी, मैंने वहीं से किए थे, लेकिन अगर आप उनको ज्यादा डिटेल में कर लो तो अच्छी बात है। सही सही, बाकी ये आरसीडी के वाले से पूछना था कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि मतलब ये जो एंडो है और अभी फिलहाल हमने अपने पीडो और एंडो थोड़ा बहुत नहीं टच किया हुआ, तो एंडो पीडो के लिए इसके लिए तो दूसरे आर्ट एंड साइंस किताब है ना, एंडो पीडो की तरह से की जाए, ग्रॉसमैन सजेस्ट करेंगे। ग्रॉसमैन, बिल्कुल, मैंने भी पढ़ाया भी उसी से, ग्रॉसमैन में बहुत अच्छा लिखा होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, आप हमें ऑपरेटिव किसी ने नहीं पढ़ाई थी ऑनेस्टली, हमारी जो एचओडी थी वो दो माह बाद छोड़ गई थी हमारा फाइनल ईयर स्टार्ट होने के, हमने खुद पढ़ी थी वो, लेकिन ग्रॉसमैन इतनी अच्छी बुक है कि अगर आप खुद भी पढ़ो ना तो आपको बहुत अच्छी समझ आती है। टेबल्स उसी बुक से थे और टेबल्स आते भी हैं पेपर में ग्रॉसमैन के। ठीक हो गया, अच्छा भाई लगता है और तो किसी का है तो एंड करते हैं, थैंक यू, वैसे बहुत अच्छा था आपसे लगता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स आए।